नौगांव नगर सहित ग्रामीण अंचलों में भी चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन चोर चोरियों की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ रखे हुए जांच कर अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी हुई है। अब चोर पुलिस से बेखौफ होकर अपने बुलंद हौसले करते हुए सरकारी कार्यालयों को भी निशाना बनाने में लगे हुए हैं। एक ऐसी ही चोरी की वारदात नगर के मनसा देवी मंदिर के पास स्थित महिला बाल विकास परियोजना सरकारी कार्यालय से सामने आई है, जहां सोमवार की बीती रात अज्ञात चोरों ने महिला बाल विकास कार्यालय के चैनल का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मंगलवार की सुबह 10 बजे के लगभग सहायक ग्रेड 3 पद पर पदस्थ कर्मचारी जब कार्यालय पहुंचा तो देखा कि चैनल का ताला टूटा हुआ है और अंदर एक कमरे में सामान व दस्तावेज बिखरे पड़े हुए हैं। यह देखकर कर्मचारी ने अपने वरिष्ठ महिला बाल विकास अधिकारी अनिल नामदेव को सूचना दी। कर्मचारी से सूचना मिलते ही बाल विकास अधिकारी ने थाना प्रभारी अभिषेक चौबे को फोन से सूचना देते हुए कार्यालय पहुंचे, जहां देखा तो कार्यालय से कंप्यूटर सिस्टम, सीपीयू, प्रिंटर, लगभग 70,000 रुपए की कीमत का सामान गायब था। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा कार्यालय सहित आसपास की जगह पर बारीकी से जांच की गई, क्योंकि चोरी की वारदात सरकारी कार्यालय से जुड़ी हुई थी। महिला बाल विकास अधिकारी अनिल नामदेव के आवेदन पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। कल रात अज्ञात चोरों के द्वारा मेरे कक्ष के पीछे खिड़की लगी हुई थी, उस खिड़की को तोड़कर एक कंप्यूटर सेट, UPS, प्रिंटर और कमरे के पर्दे, टॉवल इत्यादि सामान चोरी किया गया है। चोरी की घटना सुबह हमारे कार्यालय लिपिक द्वारा जब कार्यालय खोला गया 10 बजे, उस समय लिपिक ने देखा कि कार्यालय का सामान बिखरा पड़ा हुआ है और कंप्यूटर, प्रिंटर इत्यादि चैम्बर में नहीं है। उसकी तुरंत सूचना मुझे दी गई और मेरे द्वारा नगर निरीक्षक महोदय को सूचना दी गई। पुलिस टीम मौके पर आ गई है और अपनी जांच कर रही है।